नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र से लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। यह गीता महोत्सव के नाम से चलता था। सबसे पहले तो 2002 में प्रधानमंत्री उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको न केवल अपने कुरुक्षेत्र तक सीमित रखा, बल्कि इसको प्रदेश यानी देशव्यापी राष्ट्रव्यापी कहा कि दूसरे प्रांतों में भी इसकी छटा बिखरनी चाहिए, वहां कार्यक्रम होने चाहिए। और फिर आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये कहा कि अगर इसको विश्वव्यापी बनाना है तो कुरुक्षेत्र के अंदर हमको एक बड़े स्वरूप के अंदर इसकी मान्यता दिलानी पड़ेगी। और जब 2014 में उन्होंने कहा, हमारी सरकार 2014 में आई, हमने आते ही विचार किया कि क्यों नहीं इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप बनाया जाए। और 2016 से लगातार ये 8वां वर्ष है, अब इस उत्सव का स्वरूप जो है विश्वव्यापी बन गया है। विदेशों से बहुत लोग आते हैं, लाखों लोग, यानी इस बार का आंकड़ा स्वामी जी बता रहे थे 30 लाख पार कर गया है। 30 लाख, आज 17 दिन हो गए, कल 18वां दिन है। योजना से 18 दिन का ये उत्सव के 18 अध्याय हैं, तो 18 का एक आंकड़ा लेकर के हम चले। और इसमें भी पिछले वर्ष एक बात विचार की कि जिस सप्ताह में गीता जयंती का वास्तव दिन हो उस सप्ताह के रविवार तक उसको शुरू करें, और उसके 2 सप्ताह पहले जो शनिवार है उस दिन वो शुरू करें, या उसके 4 दिन पहले, क्योंकि तभी 14 2 सप्ताह के 14 दिन, 4 दिन उससे पहले के 18 दिन बनते हैं। उसी में से 7 तारीख और ये 24 तारीख तय हुई। 18 दिन के उत्सव को हमने देखा है, और इसको इन तीर्थों को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। कुरुक्षेत्र की ये गीता जयंती का जो स्थल है, इसकी तो योजनाएं हमारे केंद्र सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हरियाणा सरकार की ओर से भी बन रही हैं, हमारे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी बना रहा है। लेकिन जो ये अलग अलग स्थानों के तीर्थों की जो खोज हो रही है, वहां के लिए कुछ किया जाए, तो 4 वर्ष पहले मैंने स्वयं एक एक जिले में जाकर के सभी 5 जिलों में 5 दिन लगाए। सभी तीर्थों पर मेरा जाना नहीं हुआ, जैसा बताया कि समय में होकर आया हूं, मैं लगभग 65-70 स्थानों पर गया हूं। मेरी इच्छा है कि मैं सब पर जाके आऊं, समय मिलेगा वैसे देखेंगे। लेकिन उन सब स्थानों के ऊपर जो जो आवश्यकता महसूस हुई, कहीं सरोवर का पुनरुद्धार करना है, कहीं मंदिर के अंदर कोई चीज की आवश्यकता है, कोई शेड बनाना है, कहीं शौचालय बनाने हैं, कहीं घाट बनने हैं, तो इन सब स्थानों के लिए जहां जैसी आवश्यकता थी उन योजनाओं को उन्होंने बनाया है। अब मैं ऐसा अनुमान लगा सकता हूं कि लगभग इन स्थानों के ऊपर अभी तक 100 करोड़ रुपए का खर्च अनुमान तक हो चुका होगा, कुरुक्षेत्र के इन स्थानों को छोड़कर। और उसके अंदर 50 से ऊपर स्थानों पर काम पूरे हो गए हैं, इतने ही काम अभी चालू भी हैं, कुछ स्थानों पर भी नहीं भी शुरू हुए हैं। जैसा जैसा वहां की योजना बनेगी वैसा वैसा इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। मैं हमारे केडीपी के जो अधिकारी हैं, चाहे उपेंद्र सिंगल हैं, मदन छाबड़ा जी हैं अथवा अन्य पदाधिकारी हैं, इनको कहूंगा कि और अपनी योजना को थोड़ा तेज करें। तेज करेंगे तो जिस तीर्थ पर जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए समाज भी है, सरकार भी है, सब आपको सहयोग करेंगे। और हां, ये सारे काम केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहते, समाज भी इसके लिए योगदान करता है, क्योंकि हमारा जितना तीर्थाटन है इस समाज के लोग आगे लेके बढ़ते हैं। सरकारें अपने हाथ में रखे तो सफल हो ही नहीं सकता। श्रद्धा का जो विषय होता, समाज जब उसको करता तब आगे बढ़ता है। तो जितने हमारे तीर्थ स्थल हैं, ये 182, मेरा निवेदन है कि सब जगह एक टीम, एक टोली किसी संत महापुरुष के देखरेख में, कोई संरक्षक वहां का कोई संत हो, अथवा वहां का गांव का कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति है जिसका समाज के कामों में रुचि है, उनकी देखरेख में 5 की 7 की टोली बनाए और उस तीर्थ स्थान पर काम कर सकते हैं, उस तीर्थ स्थान के लिए उस गांव का भी योगदान करा सकते हैं। पैसे से हो चाहे ना हो, कम से कम वर्ष में कुछ दिन कार सेवा के नाते सरोवर साफ करना है, उस कार सेवा को हम करा सकते हैं।
या कहीं से हमको मटेरियल मिल गया, ईंटें मिल गई, तो उनको लगाने के लिए वहां उसको चिनाई करने का या उसको मजदूरी करने का काम हम गांव के लोग कर सकते हैं। या वहां कोई हमारी गौशाला है तो गांव में से हम चारा या दाना अनाज इकट्ठा कर सकते हैं। निर्माण के काम में समाज और सरकार ये सब मिलकर के करेंगे। इसलिए इन स्थानों को कैसे दुरुस्त किया जाए, अच्छा किया जाए, इसको हम आगे बढ़ाएं। तो ये आप सुन रहे थे मनोहर लाल मुख्यमंत्री को, जो कि कुरुक्षेत्र से जनता को संबोधित कर रहे थे। अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत के पांचवें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर मुरादाबाद में मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पहली बार देश के अन्नदाता किसानों ने की समस्याओं को चौधरी साहब ने महसूस किया था, जिसके साथ कहा कि चौधरी साहब ने अपने समय में अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के अभियान को भी आगे बढ़ाया था। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम ने, आपको सुनवाते हैं। हम सब जानते हैं चौधरी साहब भारत की अर्थव्यवस्था की गहरी जानकारी रखते थे और इसीलिए उन्होंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर किसान गरीब रहेगा तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता। भारत वर्ष की समृद्धि का राज गांव के खेत और खिलानों से होकर के जाता है और इसलिए हमें अन्नदाता किसान की खुशहाली और उनकी समृद्धि को ध्यान देना ही पड़ेगा। उसके अनुरूप नीतियां हमारी बननी चाहिए, उसके अनुरूप कार्यक्रम हमारे लागू होने चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक राजनेता के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने का जो कार्य किया, आज उसके परिणाम हम सबके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अंदर चल रही परिवर्तन की बहार और विकास और समृद्धि की एक नई जो बहार है यह उसी का परिणाम है। भाइयों बहनों, हम अपने पूर्वजों की स्मृतियों को ताजा रखने के लिए जब एक कार्यक्रम करते हैं, अक्सर सरकार आगे होती है और समाज पीछे होता है, लेकिन मुझे आज चौधरी साहब के प्रति आप सबकी श्रद्धा और आस्था का एक प्रमाण है कि यहां पर चौधरी चरण सिंह स्मारक समिति और जाट महासभा आगे है और सरकार उनके पीछे खड़ी है और परिणाम हमारे सामने है। चौधरी साहब की भव्य 51 फीट की एक भव्य प्रतिमा एक नई प्रेरणा के साथ अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का एक नया संदेश दे रही है। भैया बहनों, पहली बार आपने देखा होगा चौधरी साहब यही कहते थे ना कि किसान को पानी फ्री में मिले। और भाइयों बहनों, पहले तो बिजली ही नहीं आती थी, अब तो बिजली भी है और बिजली के अलावा प्राइवेट ट्यूबवेल को हम फ्री में कनेक्शन देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। हमने तय कर दिया है, पैसे की व्यवस्था कर दी है, फीडर सेपरेशन की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, कल सरकार ने यह भी तय किया है जो लोग डीजल से अपने ट्यूबवेल चलाते थे उनको सोलर पैनल देंगे। अब तक 52,000 किसानों को हमने सोलर पैनल दिए हैं, इस वर्ष 30,000 किसानों की सब्सिडी को हम बढ़ाने जा रहे हैं और भाइयों बहनों अगले वर्ष के लिए लक्ष्य हमने फिर से 42,000 का विषय तय कर दिया है। गन्ना का रकबा बढ़ा है। हम लोग जब आए थे 18,00,000 हेक्टेयर में गन्ना होता था और कल मैं देख रहा था, आंकड़े उठा रहा था, आज 29,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हमारा अन्नदाता किसान गन्ना की खेती कर रहा है और हमने अभी कमेटी का भी गठन कर दिया है। इस बार गन्ना किसानों की गन्ना मूल्य का भी एक उसमें वृद्धि भी करनी है, इसके लिए कमेटी तैयार होकर के कार्य करना प्रारंभ कर दी है। पहली बार किसी भी आपदा से बचाव के लिए
अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का उपहार मिला। कृषि सिंचाई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को क्रियान्वित किया गया और अकेले उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर भाइयों बहनों हमने लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। प्रदेश के अंदर आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर पहली बार देखने को मिला है देश के अंदर भी कि लागत का 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। एमएसपी की घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी लेकिन एमएसपी ईमानदारी से लागू करने का कार्य यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शुक्रवार को 9 मंत्रियों को शामिल किया गया जिसमें मंत्रिमंडल की संख्या 12 हो गई। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने रायपुर राजभवन में आयोजित एक समारोह में एक महिला विधायक सहित 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। वहीं इंडिया वॉइस छत्तीसगढ़ स्टेट हेड ने नवनियुक्त मंत्रियों से बातचीत की, सुनिए किसने क्या कुछ कहा। हमारी प्राथमिकता होगी जो मोदी जी की गारंटी है उस गारंटी को हम प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और जनता का विश्वास जीतें और लोकसभा चुनाव में 11 की 11 सीट हम जीत कर आएं। अभी जो आपने जो चुनाव के बाद ही रिजल्ट आने के बाद से ही आपने एक्टिव हो गए जिस तरह से आप कर रहे हैं, ये आगे भी जारी रहेगा? यस, निश्चित रूप से। अब गुंडे बदमाश माफिया लोगों का शोषण करने वाले जमीनों पे कब्जा करने वालों का राज नहीं होगा, अब छत्तीसगढ़ में कानून का राज होगा। जिस तरह से आपने शपथ ली, क्या विभागों का कुछ अभी विभागों के बारे में निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, उनसे आप पूछिए। ये बहुत संतुलित मंत्रिमंडल बना है, जो वरिष्ठ हैं उनके अनुभव का फायदा मिलेगा और जो नई ऊर्जा के साथ काम करने वाले युवा मंत्री हैं और जिनको पहली बार मौका मिला है वो सब नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। बहुत संतुलित मंत्रिमंडल है, बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपकी जीत की क्या वजह रही खास सब? देखिए, जनता का जो प्रेम था, जो हमारे कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम था, मोदी जी की गारंटी थी, भारतीय जनता पार्टी पे लोगों का भरोसा था। क्या मुख्य मुद्दा आप क्या मानते हैं कि भाजपा जो जीती है छत्तीसगढ़ के अंदर इतनी सीटों के साथ, आपको क्या लगता है कि क्यों जीती है और क्या वजह रही है? देखिए, मैं जीत हार का कोई एक वजह नहीं मानता, कभी बहुत सारी वजहें इकट्ठे होती हैं तब ये बात होती है। जो मैंने आपसे कहा कि एक मोदी जी के प्रति विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के लिए भरोसा, कार्यकर्ताओं की कर्मठता और जो उन्होंने प्रत्याशी चयन किया अलग अलग क्षेत्रों में और जो उन्होंने संतुलन बनाया हमारी पार्टी में, वो बहुत बड़ी चीज थी। और कांग्रेस का भ्रष्टाचार। हॉलीवुड स्टार अनुज शर्मा का लाभ राजनीति और आम लोगों को किस तरह से? देखिए, मैं तो अपने क्षेत्र की जनता को मैंने जो वादे किए थे उन वादों को मैंने निभाना शुरू कर दिया है और उस पे काम मेरा शुरू हो चुका है। बस्तर में सिर्फ आपका चेहरा जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, आप लगातार मुखर होते रहे हैं, बस्तर में विकास नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है पिछले 5 सालों में, कैसे विकास है? निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से विकास अवरुद्ध हो गया था और जिस तरीके से भ्रष्टाचार की भेंट पूरा बस्तर क्षेत्र पड़ा था और उससे उबारने का दायित्व मुझे दिया गया है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि बस्तर के लिए जितनी भी योजना का क्रियान्वयन हो वो बेहतर तरीके से हो। मोदी जी की गारंटी है, उस गारंटी को जन जन तक पहुंचाए, ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसके अलावा बस्तर के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? जिस तरह से बस्तर में आप पिछले 5 सालों में बोलते रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है, 5 साल में एक भी कार्यक्रम बता दी, एक भी योजना बता दी जो किस कांग्रेस की सरकार ने वहां पर क्रियान्वित किया हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, देखिए आगे आने वाले समय में और भी बहुत सारे चीज नए नवाचार होंगे, नए काम होंगे जिसका लाभ हमारे बस्तरवासियों को प्राप्त होगा। कौन सा दायित्व संभाल रहे हैं, संकेत कुछ मिला? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे पार्टी संगठन जो दायित्व दे उसका बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां फतेहपुर में अवैध खनन का खेल लगातार जारी है। बता दें कि भारी बूम मशीनों से मोरंग का खनन किया जा रहा है। यमुना की जलाधार को रोककर खनन किया जा रहा है। अवैध खनन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामला ललौली थाना क्षेत्र के अड़ावल मोरंग खदान का बताया जा रहा है।
बिजनौर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा बिजनौर पहुंच गई है। यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। यात्रा के बिजनौर पहुंचने पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोश के साथ फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। शहर भर के कई हिस्सों में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। दरअसल 20 दिसंबर को सहारनपुर से शुरू होकर कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा शुक्रवार की देर रात लगभग 10 बजे बिजनौर के गंगा बैराज पर पहुंच गई। यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहले से ही गंगा बैराज पर मौजूद थे। यहां पर उन्होंने गर्मजोश के साथ यात्रा का स्वागत किया। यूपी जोड़ो यात्रा नेतृत्व कर रहे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आज जहां किसान गन्ने के पेमेंट को लेकर परेशान है। तो आज कई लोगों ने इस्तीफे दिए, खिलाड़ी ने अपना, एक तो बजरंग पुनिया ने अपना ब्रॉन्ज, अपना मेडल भी, अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री के दरवाजे पर जाकर रखा है। अभी कितना बड़ा अपमान है देश का, खिलाड़ियों का। और वो साक्षी मलिक ने पूरे कुश्ती जीवन से उसने इस्तीफा दे दिया। जो इतनी बड़ी खिलाड़ी जिसने इस दुनिया का में नाम किया है हिंदुस्तान का, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई, उसने उस महिला, उस बच्ची ने अपने आप को संन्यास ले लिया। ये कितनी दुखद है इस मोदी सरकार में, और निश्चित तौर से ये अपमान है। और आज देखिए, सबसे बड़ा जो कहते हैं कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री, अरे सबसे बड़ा जो अपमान हुआ समाज का, हिंदुस्तान का, या मैं कहूँ जाट समाज का, तो वो साक्षी मलिक जिसने जाट समाज में पैदा हुई है, पूरे देश में जाट समाज है, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। बिहार में भले ही शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी का सच क्या है ये कहने की बात नहीं है। दरभंगा DMCH में डॉक्टर की शराब पार्टी और चकिया प्रखंड प्रमुख के पति का शराब के बाद मोतिहारी सदर अस्पताल परिसर में फेंकी सैकड़ों शराब की बोतल शराबबंदी की पोल खोलने के लिए काफी है। मोतिहारी सदर अस्पताल में फेंकी गई खाली शराब की बोतल देखकर लोग ये कहते नहीं थक रहे कि अस्पताल परिसर है या मैखाना। आखिर शराबबंदी वाले राज्य में सदर अस्पताल परिसर में इतनी शराब पीकर बोतल कौन फेंकता है, जिस पर ना अस्पताल प्रशासन की नजर है और ना ही पुलिस प्रशासन की। आसपास के लोगों का कहना है कि अस्पताल परिसर शाम होते ही मैखाने में बन जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिवार वालों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन मौन रहता है। किनके द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है? यहाँ नगर थाना के पुलिस भी आकर गश्ती करती है, क्या इससे साबित क्या हो रहा है? साबित तो गश्ती तो करती है, लेकिन उसको और गंभीरता से इसको जांच करना पड़ेगा, परखना चाहिए उन लोगों को, नजर रखना चाहिए उन लोगों को। खबर कानपुर से है, जहां घने कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हो गया। बता दें कि 3 ट्रकों की आपस में भिड़ंत हो गई। नेशनल हाईवे पर ओवरटेक करने के चलते सड़क किनारे खड़े ट्रक आपस में टकरा गए। घटना के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में फंसे घायल चालक को बाहर निकलवाया। तभी घायल चालक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं प्राथमिक इलाज के दौरान डॉक्टरों ने चालक को कानपुर रेफर कर दिया। घटना से जाती थाना क्षेत्र के कैथा गाँव स्थित पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। अगली खबर रायबरेली से है। नगर पालिका की बोर्ड की बैठक में हुआ हंगामा, नाराज सभासद ने जमकर की नारेबाजी। बोर्ड बैठक छोड़ नगर पालिका अध्यक्ष भागे, नाराज सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में जमकर की नारेबाजी। सत्रोहन सोनकर है नगर पालिका अध्यक्ष। 34 सभासदों में 31 सभासदों ने बोर्ड बैठक में किया विरोध। नगरपालिका अध्यक्ष पर मनमानी का लगाया आरोप। आपको बता दें, सभासद के अध्यक्ष बैठक छोड़कर भाग गए, जिसके बाद नाराजगी में बाकी लोगों ने नारेबाजी की और विरोध जताया। आपको बता दें कि नगरपालिका की बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा हुआ, जहां नाराज सभासदों ने जमकर नारेबाजी की और बोर्ड बैठक छोड़कर नगरपालिका के अध्यक्ष भाग गए। नाराज सभासदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में जमकर नारेबाजी की। शत्रुघ्न सोनकर हैं नगर पालिका के अध्यक्ष, और बता दें कि 34 सभासदों में 31 सभासदों ने बोर्ड बैठक का विरोध किया। नगर पालिका अध्यक्ष पर मनमानी का भी आरोप लगाया।
खबर रायबरेली से है, जहां एक युवक ने शादी का झांसा देकर महाराजगंज की एक युवती के साथ दुष्कर्म किया, साथ ही आपत्तिजनक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वहीं युवती ने शादी का प्रस्ताव रखा तो युवक ने इनकार कर दिया। बता दें कि युवती ने उसके खिलाफ महाराजगंज थाने में तहरीर दी है, जिस पर कोतवाल बालेंद्र गौतम का कहना है कि तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन की जा रही है। खबर बुलंदशहर से है, जहां दिल्ली के इनामी बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं क्रॉस फायरिंग में इनामी बदमाश घायल हो गया, तभी घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश पर 10 आपराधिक मुकदमे दर्ज है। साथ ही पुलिस ने इनामी बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, एक कारतूस, एक खोखा और एक चोरी की बाइक बरामद की है। खबर रायबरेली से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बता दें कि दारू न देने पर दबंगों ने सेल्समैन को जमकर पीटा। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये मारपीट हुई। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का विजेंद्र नगर पेट्रोल पंप के पास का बताया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां अलीगढ़ के लोधा में चोरों ने बियर के ठेके में चोरी करके उसे आग के हवाले कर दिया। बता दें कि चोर करीब 3 लाख रुपए की 120 पेटी बियर चोरी करके फरार हो गए। वहीं बचा हुआ माल आग में जलाकर खाक हो गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। साथ ही पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना लोधी थाना इलाके के बताई जा रही है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां थीम पार्क में 18,000 विद्यार्थी 1 मिनट का गीता पाठ करेंगे, जिसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और आसाम के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। बता दें कि सीएम मनोहर लाल शाम 6 बजे सनहिति सरोवर पर दीपदान करेंगे, साथ ही रंगीन आतिशबाजी भी की जाएगी। खबर मैनपुरी से है, जहां प्राइवेट नर्सिंग होम की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत हो गई। बता दें कि डिलीवरी होने के उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई। बता दें कि परिवार के लोगों ने प्राइवेट डॉक्टर पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। उपेंद्र जी, ये सुखदेवी जी कौन लगती थी आपकी? मैडम पत्नी थी। क्या हो, कहाँ की रहने वाली थी ये? ये रायपुर गाँव है, महमदाबाद के। अभी कहाँ रह रहे थे? यहाँ पर पूनी बरा। तो ये कब इनको एडमिट कराया था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी इनको? ये 4:30 बजे यहाँ पे कराया, मैंने भी कराया था एडमिट। क्या दिक्कत थी मैडम को? डिलीवरी केस था। डिलीवरी हो गई थी आराम से? हाँ डिलीवरी हो गई थी। डिलीवरी है, इन्होंने नस पता नहीं गड़बड़ कर दी थी, पेशाब बंद हो गई थी। आरएन हॉस्पिटल? हाँ आरएन हॉस्पिटल। क्या हुआ फिर? इनके साथ ये हुए, इनने भर्ती किया, पर इनने जाकर मैं 100% इन्हें कह रहे नॉर्मल ना हो, तो इन्हें कही कि आप जो है ऑपरेशन बोलो। तो मैंने कही ऑपरेशन करोगे भाई, क्या करो, मुझे जच्चे बच्चे दो चाहिए इसे। इनने 100% गारंटी ली, फिर इनने 2 बोतल खून मंगाया, इनने खून चढ़ाया नहीं, खून अपना पता नहीं गैप कर लिया, क्या कर लिया मुझे नहीं मतलब। मैंने छुट्टी ना करा रहे थे, टोला रात थी सब बचुआ, तो फिर इनने जो कल 2 बजे तक नहीं आई टोला ना आई। मैं बड़बड़ाने, मेरा बेटा, मैं मेरे घर से अते घर है, घर है मेरे कोई नहीं, अकेले आते हैं, तो मैंने कि घर चले जाओ, पैसे टके लिया, इनने गारंटी ली थी इसलिए मैं आई। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहें इंडिया वॉइस पर, तब तक के लिए नमस्कार।